हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे शुक्र के उपाय के बारे में। शुक्र के क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें, जिससे कि जो नेगेटिव शुक्र है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। और शुक्र के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इफेक्टिव उपाय। उपाय तो शुक्र के आपको हर कोई बता देगा, लेकिन शुक्र के इफेक्टिव उपाय ऐसे होंगे जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज ला सके। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कोई भी चेंज ले आएगा कोई भी चीज़, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, ये आपको बहुत हद तक उसके नेगेटिव, आपके जो शुक्र है उसकी नेगेटिविटी कम कर देंगे, ये जो शुक्र के उपाय मैं आपको बताने जाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, लाइव शो में आ सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए, जो कि बहुत थॉरो कंसल्टेशन होगी, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं astrosolution49@gmail.com, वहां से मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं शुक्र के उपाय के साथ। शुक्र मंत्र को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे, कि किस तरीके से करना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहले बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र हमारी कुंडली में लग्जरीज का कारक है, माता का कारक है, जो फीमेल्स हैं जनरली उनका कारक है, ठीक है। उसके बाद जो आप बड़ी बड़ी आजकल ये ब्रांड्स देख रहे हैं, इनका कारक भी शुक्र है। तो मतलब आइए, कलयुग का आप मान के चलिए जो भी भोग विलासिताएं हैं, इन सब का कारक हमारा शुक्र है। शुक्र अगर आप देखें तो सेक्स का भी कारक है। मेल की कुंडली में शुक्र से हम उसकी वाइफ को भी थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं, उनकी वाइफ कैसी होंगी और ये सब चीजें। अब शुक्र नेगेटिव कब होता है, देखिए उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कब होगा, जब आपका शुक्र नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। उपाय तब किए जाते हैं, उनका मंत्र तो ऑलरेडी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली उपाय तब किए जाते हैं कि कोई प्लेनेट नेगेटिव हो। निस्वार्थ भाव से आप जो भी सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन आपका होना चाहिए। अगर आपका शुक्र नेगेटिव है कि मुझे शुक्र के, अगर मैं उपाय करने जा रहा हूँ तो मुझे ये फल मिले, आपका ये इंटेंशन होना चाहिए। तो शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। इस राशि में शुक्र अब बहुत खराब रिजल्ट देने की हम उम्मीद रखते हैं शुक्र से। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि शुक्र आपको यहाँ पे बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। अब देखिए, शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र अगर रिलेशन रखता है 7 8 12, 5 8 12 का कॉम्बिनेशन, 6 8 12 का कॉम्बिनेशन, 2 3 6 12 का कॉम्बिनेशन, तो ये आपके लिए नेगेटिव है। ये आपको जनरली दिखाएगा जेल, ये दिखाएगा लिटिगेशन, ये दिखाएगा जॉब में परेशानी, ये दिखाएगा आपको एग्रेशन। और अगर 1 6 8 12 हो गया तो शुक्र आपको दिखाएगा हेल्थ इश्यूज, ठीक है जी। तो अब क्या हम ऐसा करें कि शुक्र आपका पॉजिटिव हो, मतलब अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप कुंडली चेक कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको शुक्र के उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुक्र इस जगह पे रह के बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जो देखिए, जो शुक्र के आपको उपाय करने चाहिए वो है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है वो है शुक्र का मंत्र, जो कि है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये मंत्र करना कैसे है, ये आपको तब करना है जब आपका वीनस नेगेटिव हो, ठीक है। ये एक शुक्र का, ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इफेक्टिव है। और इसको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप भिखारी से राजा, मैं सॉरी एग्जाम्पल को गलत सेंस में मत दीजिएगा, कि आप बहुत खराब सिचुएशन में है तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस मंत्र को आपको 16,000 बार करना है 21 दिन के अंदर, और मन में ये फीलिंग रखनी है कि आपका शुक्र पॉजिटिव हो रहा है। शुक्र के मंत्र को देखिए आपको 16,000 बार करना है 21 दिन में। अब नेक्स्ट क्या है जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तो सपोज कीजिए आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आप इसको इक्वली डिवाइड कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन आपने 1,000 कर लिए, दूसरे दिन आपने 500 ही किए, तीसरे दिन आपने 1,500 कर लिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। आप अगर आज 1,500 कर रहे हैं तो कल 2,000 करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे कम नहीं करना है और इसको 21 दिनों के अंदर कम करना है। मेरे हिसाब से तो आप इसको इक्वली डिवाइड कीजिए
और उसके बाद कीजिए। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा जो रेमेडी ये हो सकती है वीनस के लिए, आप हर, क्योंकि शुक्र का दिन होता है फ्राइडे, ठीक है, तो आप शुक्रवार को चीनी होती है चीनी, चीनी का दान करना शुरू कीजिए, शुगर का दान करना शुरू कीजिए। आप जो वाइट प्रोडक्ट होते हैं जनरली मिल्क, इनका दान करना शुरू कीजिए। कोई भी न्यूली मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, तो आप जो भी उनमें से फीमेल है उनको आप सेंट गिफ्ट कर सकते हैं, उनको आप जो डीओ होता है परफ्यूम होती है उसको आप गिफ्ट कर दीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा शुक्र आपका ठीक होगा, नेगेटिविटी को कम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले शुगर, शुगर अगर आप चाहें तो डेली जहाँ चींटियाँ आती जाती हैं वहाँ आप चीनी डाल दीजिए, ये गारंटी है विद इन अ मंथ आप ये कीजिए। साथ में ये रेमेडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ दूध का दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है। न्यूली मैरिड कपल को अगर आप डीओ दें तो वो अच्छा है, किसी भी छोटी बच्ची को आप सजने संवरने की चीजें दे दें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आप विद इन अ मंथ आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए चैनल लाइव है और मैं लाइव कंसल्टेशन करता हूँ, आप अगर नहीं रिजल्ट मिलता तो आप मेरे पास मुझे बता सकते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ है कि रिजल्ट किसी को ना मिला हो। इनको फेथफुली करना है, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। इंटेंशन ये है कि मेरे को, मेरा शुक्र बहुत अच्छा है, मुझे शुक्र के रिगार्डिंग मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे अच्छी चीजें मिल रही हैं, आपको अपने आप में फील करना है, तो धीरे धीरे ये चीजें, सब चीजें आपको इफेक्ट देने लग जाएंगी। तो फिर बताइए आपको शुक्र के उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, काफी मेहनत लगती है चैनल में ये वीडियोज बनाने में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो astrosolution49@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, वहां से मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। तो प्लीज इसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।